पे इस हवाले से हाईलाइट हो रही है चीजें, ग्लोबली इस पे आर्टिकल्स भी चल रहे हैं कि BFIC जो है, जो कि नेटिव चेन है, ब्लॉकचेन है, उसके हवाले से था कि उसका जो टोकन है, उसका जो क्वाइन है BFIC, वो दूसरा बड़ा क्वाइन है BTC के बाद, जितने इतना मैसिव जो क्वाइन था वो रिवॉर्ड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो सेकंड लार्जेस्ट क्वाइन कह सकते हैं आप इसको, या दूसरा बड़ा क्वाइन कह सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात थी कि दुनिया ने इस एंगल से भी देखना शुरू किया है कि आपने रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, और इसका फायदा क्या होता है कि मैसिवली आप डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं, जब मैक्सिमम सप्लाईज लोगों के पास होती हैं तो वो मैक्सिमम उतना ही डिसेंट्रलाइज होता है, और प्राइस का फॉर्मूला वो आप सबको पता है, वो किसी के इख्तियार की चीज नहीं होती, उसमें कोशिश कर रहे होते हैं लोग भी, कम्युनिटीज भी, क्वाइन के होल्डर्स भी। यानी आज अगर सारे लोग BTC बेचना शुरू कर दें तो आप क्या समझते हैं BTC की प्राइस क्या होगी? मैं बता सकता हूँ, $2 इज वेरी इजी। अगर सारे बेचना शुरू कर दें तो वो 62,000 या 64,000 वाला BTC $2 का भी हो सकता है, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी। बट बिकॉज सम पीपल प्रेफर टू बाय, सम पीपल प्रेफर टू होल्ड, सम पीपल प्रेफर टू सेल, इस वजह से ये होता है कि प्राइस जो है वो आपका अच्छा, बेहतर या बुरा हो सकता है। 69,000 पे BTC और फिर BTC 14,000 पे, 14,000 पे, यानी जानी निकल गई उसकी 400% नीचे, और फिर BTC वापस 68,000 पे। इट टुक इयर्स, साल लगे, बट डिपेंड इसी पे करता है कि जब लोग बाइंग कर रहे हो, जब सेलिंग कर रहे हो, तो उसमें कम्युनिटी मिलके, होल्डर्स मिलके, लोग मिलकर, कंपनी मिलकर, लीडर्स मिलकर उस क्वाइन की वैल्यू और वर्थ क्रिएट करते रहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि उसकी वैल्यू रहे, लोग उसको बाय करें और उसकी प्राइस में अप्रिसिएशन हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद अब हम नॉर्मल टॉपिक की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपको और हम सबको बुनियादी किस्म का कुछ नॉलेज, कुछ नए दोस्त भी हमारे साथ जुड़ते हैं, और उनके आते ही आगाज जो होता है वो सीधा ही किसी क्रिप्टो या बिटकॉइन या BFIC गोल्ड या BFIC या सोलाना या किसी XYZ की तरफ चले जाते हैं, और बेसिक्स नहीं पता होते। तो इसलिए बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ताकि जब हम किसी जगह पर बैठें या किसी गुफ्तगु में हिस्सा लें या कब किसी को गाइड करें तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट दें। तो इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में आपको करना चाहूंगा। सबसे पहले ये समझ लें कि ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, और ब्लॉकचेन को और आसान करूं तो ये सॉफ्टवेयर भी क्या है, ये एक डेटाबेस है, ये एक रिकॉर्ड है। यानी जिस तरह आप किसी भी, फॉर एग्जांपल लैंड है, तो जमीन का रिकॉर्ड रखा जाता है दुनिया के हर मुल्क में कि ये इस एरिए में इतनी लैंड, इसकी मलकियत फलाने के पास है, या गाड़ियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस वक्त इस शहर में या इस मुल्क में इतनी गाड़ियां हैं और ये इस किस बंदे के नाम पे हैं और ये नंबर इन गाड़ियों को एलोकेटेड है। तो इस तरह से ये एक रिकॉर्ड रखा जाता है।